सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप कौन हो? हाय, मेरा नाम है हरमीत कौर, मैं जम्मू से हूँ और मुझे यहाँ पे 4 साल हुए हैं मुंबई में आए हुए। 4 साल का पीरियड बहुत होता है अगर देखा जाए तो। जम्मू से बॉम्बे का सफ़र कैसा रहा, कुछ शेयर करेंगी? जी ज़रूर। जम्मू से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन से ही शौक था एक्टिंग में, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तू बचपन से ही बहुत एक्टिंग करती थी, हर किसी की ना मतलब एक्टिंग करना, हंसाना, डांस में भी बहुत अच्छी थी, इवन स्कूल में एनुअल फंक्शंस में, इवन मैंने थिएटर्स भी किए हैं। सो बचपन से ही शौक था कि एक्टिंग फील्ड में जाना है, लेकिन इतना मैं घर वाले इतने नहीं थे कि नहीं उसी में ही जाना है। तो मेरे स्कूल में एक डांस टीचर थी जो डांस सिखाती थी मेरे को, तो उनको पता नहीं क्या ऐसा दिमाग में आया, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा लुक बैठता है, तुम एज अ हीरोइन लुक देती हो, तुम कर सकती हो, तो ट्राई करो। तो उन्होंने मुझे पहला मॉडलिंग शो दिया था जो जम्मू में हुआ था, जो फर्स्ट मेरा शो था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाओ, मैं हर किसी को नहीं बोलती हूँ, लेकिन तुम पे मुझे वो दिखती है कैपेबिलिटी, तुम जाओ करके आओ, ट्राई तो करो, क्या पता कुछ लक हो, कुछ आगे बढ़ जाओ तुम। तो मैं गई वहाँ पे और मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मैंने वहाँ पे मॉडलिंग किया, फैशन शो था, सेकंड रनर अप आई मैं वहाँ पे। तो वहाँ से धीरे धीरे करके, वैसे घर वाले तो सपोर्टिव थे ही, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं सीरियस नहीं थी कि नहीं यार सच में जाऊँगी मुंबई, क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा शहर है, हम जम्मू एक छोटा शहर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेंटेलिटी होता है कि कैसे होगा सब, कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, तो कहीं ना कहीं डर था। तो कैसे कैसे करके मैंने मम्मी को मनाया, और खैर मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला कि ठीक है चल ट्राई करके देखते हैं, तू चल, तेरे को हम मुंबई लेके चलते हैं, तो अब तू कहीं ना बोले कि हम तेरे को लेके नहीं गए, चल तेरा ड्रीम है तो तू ट्राई कर ले एक बार। मतलब इस ड्रीम को जो पूछ दिया वो टीचर ने दिया कि आपको आपकी कला को पहचाना, आपके ग्लैमर को पहचाना, आपकी खूबसूरती को पहचाना, उन्होंने फिर आपको एक जी मिला। टीचर ने दिया, इवन मतलब दो टीचर्स ने मुझे ये पुश दिया था कि तुम ट्राई करो। और बचपन से ना मतलब मेरे रिलेटिव्स, अगर आप बोलो तो रिलेटिव्स को एकदम नेगेटिव पार्ट बोला जाता है, बट उन्होंने भी बोला था कि नहीं इसको भेजो ये कर सकती है। तो जब आप सेकंड रनर अप आई तो आपका और थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ होगा कि अब मैं कर सकती हूँ वहाँ पे? हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि नहीं यार ट्राई तो करना चाहिए, क्यों मतलब नहीं करूँ जब सपोर्ट मिल रहा है तो घर वालों से भी। सो तब से मैं सीरियस हुई थोड़ा सा। जब आप बॉम्बे आई तो बॉम्बे में आपको कितना मतलब यहाँ पे स्टडी बहुत जो जितने भी आते हैं सब करते हैं यहाँ पे मेहनत, लेकिन आपका सफर कैसा रहा इसमें? थोड़ा सा सफ़र ऐसा था काफी कि टफ होता है। बहुत टफ होता है, बहुत टफ था, मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरी मॉम मेरे साथ आई थी। सो मेरी मॉम मेरे साथ आई थी मुंबई, तो हम दोनों अकेले आए थे, तो बहुत पहले पहले डर था यार कहाँ पे जाएंगे क्या। पर मैंने जब मुंबई आने से पहले ही मेरे एक फ्रेंड है देव करके, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि ऐसे ऐसे जगह पे आपको जाना है ऑडिशंस के लिए, उन्होंने मुझे नंबर दिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिंक्स दिए, जिसकी वजह से मैं आई, मैंने यहाँ पे रही। मैं सबसे पहले जब यहाँ आई थी तो दादर में रुकी थी, सो दादर में रही, तो वहाँ पे रोज़ सुबह मम्मी के साथ ना ऑडिशंस पे जाती थी वहाँ पे करने। तो मतलब बहुत स्ट्रगल था, मतलब जैसा मैं सोच के आई थी कि नहीं थोड़ा सा इजी रहेगा, या जब करने लगी तो समझ में आया कि नहीं बहुत स्ट्रगल है। सो धीरे धीरे करके बहुत सी जगह पर रिजेक्शंस हुए और कुछ सीखने को मिला। सीखने को मिला, हाँ मतलब ऐसा बोलो कि बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हम कुछ और सोच के आते हैं, लेकिन जब आप फेस करते हो वो सिचुएशन को तो समझ में आता है कि नहीं ये तो दुनिया ही अलग है। अभी आपने फिल्म भी की है बट अभी उसके बाद में आएंगे, 4 साल के बीच में कुछ और आपने काम किया, जैसे म्यूजिक वेब सीरीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, म्यूजिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बीच में कुछ और आपने काम किया कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मैंने पंजाबी क्राइम शोज किए हैं जहाँ पे मुझे काम मिला वहाँ पे, और मैंने वेब सीरीज़ का मेरा एक शूट किया है मैंने, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, और ये एक पंजाबी मूवी की है जो अभी 14 अप्रैल को रिलीज़ हुई है, और एक और हिंदी फिल्म है जिसमें मैंने काम किया है, अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन अभी हुआ नहीं है,
आपको होगा तो वो भी आएगा। म्यूजिक नहीं किया आपने या आपको मिला आपने नहीं किया या मिला ही नहीं? नहीं नहीं, म्यूजिक मुझे मिला था मुझे, बट वो मेरे सर्कमस्टांसिस पे नहीं था, मतलब मुझे वो सही नहीं लगा थोड़ा उनका, सो मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस म्यूजिक में, थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट था तो मैंने मना कर दिया, मैंने वो नहीं किया। इवन मुझे वेब सीरीज़ के लिए ऑफर आया था तो उसके लिए भी मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस रोल के लिए, सो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। कंफर्टेबल मतलब क्या है, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का काफ़ी नाम आया है जी, तो कुछ इस तरह के भी ऑफर्स आए थे आपके पास? हाँ, कास्टिंग काउच तो चलो देखो इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि हाँ करना वो तो करना तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन ये चीज़ें तो फेस की है मैंने भी, एक दो चीज़ें, एक तो प्रोडक्शन हाउस में मैंने फेस किया है, बट कोई ऐसा नहीं कि आपको भाई ज़ोर ज़बरदस्ती है या कुछ ऐसा नहीं है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको करना है या नहीं करना है, सो मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चली आई वहाँ से। पंजाबी फिल्म भी आपने की है, किस तरह का एक्सपीरियंस था, कौन कौन लोग थे उस फिल्म में, थोड़ा सा बताइए। जी मैंने पंजाबी मूवी, एक्चुअली मेरा एक फर्स्ट ड्रीम था कि मैं पहले शुरुआत करूँ तो पंजाबी मूवी से करूँ, चलो वो ड्रीम सच हो गया। तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिए इसके, काफ़ी सारे ऑडिशंस करने के बाद मैं सेलेक्ट हुई, और इसमें बिंदु दारा जी जो लेजेंड हैं, लेजेंड एक्टर्स हैं इसमें, जसविंदर बल्ला, बिंदु दारा सिंह जी और पंजाब की अमन नूरी जी, सीमा कौशल जी, ये चार लोग थे जो मेन जो काम कर रहे थे, बट इसका हम मैं यंग वर्जन प्ले कर रही थी। सो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, क्योंकि मैं जिनका करेक्टर प्ले कर रही हूँ यंग वर्जन का, वो अमन नूरी जी हैं, तो वो वहाँ की, मतलब मैं उनको बोलूँ बड़ी दिग्गज हैं वो वहाँ की, पंजाब की, सो कहीं ना कहीं नर्वसनेस था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो था। लेकिन जब हम फर्स्ट डे शूट में गए तो सब लोग साथ में थे, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब ये नहीं लगा कि कोई भी आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, चाहे वो कोई भी बड़ा स्टार हो, सब आपको एकदम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत हुई हमारी वहाँ पे, मुलाकात हुई, हंसी मजाक हुआ वहाँ पे, बहुत अच्छे से सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। मैंने बिंदु दारा सिंह जी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है, लेकिन उनके साथ बातचीत बहुत अच्छी हुई, मतलब मैं ये बोल, हाँ सेट पर बहुत अच्छा उनके साथ बिहेवियर रहा, सबको बहुत अच्छा कम्फर्ट करते थे वो। और मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो, लेकिन मैं थैंक्स कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। तो किस तरह कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में, अगर बात करें तो कुछ शेयर करेंगे? कैरेक्टर मेरा इसमें थोड़ा तेज तड़ाक लड़की का है, थोड़ी बोल्ड लड़की का, जो मैं प्ले कर रही हूँ कि जो अपने ही उस पर चलती है, किसी की सुनती नहीं है, थोड़ी सी गुस्से वाली है। सो ये करेक्टर प्ले जो मैंने किया वो अमन नूरी जी का करेक्टर प्ले किया यंग वर्जन का, सो बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा बीच में चुलबुली सा भी करेक्टर है, गुस्से वाला करेक्टर है, सो ऐसा करेक्टर मैंने प्ले किया है, तो बड़ा मज़ा आया ये करेक्टर प्ले करते समय, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लास्ट में अपने फैंस से क्या अपील करना चाहेंगी? लास्ट में मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी फिल्म उड़ीका तेरियन ज़रूर देखें, उसमें मैंने अमृता का करेक्टर प्ले किया है, और देखिए कि मैं उसमें कैसा काम किया है मैंने, आपको पसंद आता है कि नहीं, आई होप कि आपको पसंद आए, और बहुत अच्छी स्टोरी है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सबका सपोर्ट रहे, आप सबकी ब्लेसिंग्स रहे, तो मैं आगे भी नए नए प्रोजेक्ट्स करती रहूँ, सो आपको मैं पसंद आती रहूँ, मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी लव यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।